नमस्कार, जोहार, प्रणाम। सिमडेगा समाचार के YouTube चैनल में स्वागत है। चैनल में जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों के बीच पहुंचाएं। तो चलिए दिन भर की जानते हैं छोटी बड़ी खबर। सिमडेगा के गर्जा रेंगारी मुख्य पथ काटुकोना चर्च के पास आंधी तूफान की वजह से बड़ा महुआ पेड़ सड़क पर गिरा, जिसके बाद आवागमन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बाद में काफ़ी मशक्कत के बाद उसे हटाई गई, जिसके बाद राह आसान हुई। टेडीटांगर प्रखंड के कुड़पानी गांव निवासी 18 वर्षीय स्मिथ क्रिकेटा नामक युवक आम पेड़ से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां पर उसकी इलाज चल रही है। सिमडेगा सर्वेश्वरी आश्रम शाखा की ओर से अघोरेश्वर कलश महाविभूति एवं शिवलिंग स्थापना के मौके पर अष्टप्रहरी कीर्तन का आयोजन किया, जहां पर समूह के लोगों के द्वारा धार्मिक अनुष्ठान में काफ़ी संख्या में भाग लिए हैं। बताया गया कि आज इसका समापन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सिमडेगा जिला कार्यालय में जिला कार्य समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्री सह स्थानीय सांसद अर्जुन मुंडा उपस्थित रहे। उन्होंने सभी लोगों को 9 सालों में मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने की बात कही तथा वर्तमान में मौजूद झारखंड सरकार को 60-40 की जो स्थानीय नीति है उसको स्पष्ट करने की बात कही। इसके अलावा संगठन मजबूती को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा हुआ। पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति सिमडेगा द्वारा सिमडेगा के छोटनागपुरिया तेली समाज के छात्रावास में बैठक हुई, जहां पर बताया गया कि आरक्षण की मांग को लेकर 26 मई को झारखंड बंद का आह्वान किया है। इसको लेकर 25 तारीख को सिमडेगा सहित कई जगहों पर मशाल जुलूस का आयोजन किया जाएगा। झारखंड पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सह पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री एनोस एक्का ठेठईटांगर प्रखंड अंतर्गत राजा बासा के कहुपानी चर्च पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने चर्च में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेकर इस क्षेत्र में अधूरे कार्यों को पूरा करने का ग्रामीणों को विश्वास दिलाया। उन्होंने कहा कि अब मैं आ गया हूं तो इस क्षेत्र में जो भी बचा हुआ काम है उसे सरकारी अधिकारियों से मिलकर दूर किया जाएगा। सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के स्मृति के मौके पर उन्होंने श्रद्धासुमन अर्पित किया और कहा कि राजीव गांधी जो पंचायती राज व्यवस्था का जनक माने जाते हैं, उन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता। आज उनकी पुण्यतिथि है जिस पर हम याद कर रहे हैं। मौके पर सभी कांग्रेसी नेताओं ने बारी बारी से श्रद्धा सुमन अर्पित की। इधर सिमडेगा विधायक द्वारा सहयोग विलेज अनाथालय पहुंचकर छोटे छोटे अनाथ बच्चों के बीच फल, मिठाई, बिस्किट सहित कई चीज़ों का वितरण किया। विधायक ने कहा, मैं सभी का पिता के रूप में इनकी सेवा करना चाहता हूं। आप सभी कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या पर याद करें, जिस पर बच्चों ने वॉलीबॉल, प्लेग्राउंड, हॉकी स्टिक, फुटबॉल सहित कई चीज़ों की मांग की, जिस पर विधायक ने जल्द उपलब्ध कराने की बात कही। PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप की गिरफ्तारी के बाद सिमडेगा SP ने जानकारी देते हुए बताया है कि वर्ष 2012 से पूर्व सिमडेगा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में दिनेश गोप के खिलाफ कुल 24 मामले दर्ज है। उन्होंने कहा कि NIA के द्वारा और झारखंड पुलिस के सहयोग से उसे नेपाल से गिरफ्तार कर लाया गया है, जिसके बाद अब आतंक में लगाम लगेगा और 30 लाख का जो नक्सली है वो गिरफ्तार हो गया है। इससे कई नए बिंदुओं की खुलासे होंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सिमडेगा कॉलेज में आयोजित नेहरू युवा केंद्र द्वारा युवा उत्सव 2023 में भाग लिए, जहाँ पर उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में शामिल बच्चों को पुरस्कृत किया। साथ ही उन्होंने देशभक्ति गीत गाकर वहां पर लोगों को झूमने पर मजबूर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि युवा समाज की रीढ़ है और प्रधानमंत्री की सोच है कि जब देश 100वां आज़ादी वर्ष मनाए तब यहां के युवा अपने बलबूते पर एक नया इतिहास लिखें। किनकेल के नॉर्थ ईस्टर्न चर्च में 40 बच्चों का पवित्र दृढ़करण संस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ पर डायोसिस के बिशप के द्वारा विशेष धार्मिक अनुष्ठान करते हुए सभी बच्चों को परम प्रसाद ग्रहण कराया। साथ ही उन्हें ईसा मसीह के राह पर चलने एवं मानव कल्याण करने की बात कही। सिमडेगा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में जेल अदालत का आयोजन किया गया। इस मौके पर CGM आनंद मणि त्रिपाठी द्वारा चोरी के आरोप में बंद एक आरोपी छोटू नामक
व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया। इसके अलावा विधिक जागरूकता शिविर आयोजन करते हुए कई चीजों की जानकारी दी गई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी स्टॉल का निरीक्षण किया। निरीक्षण करते हुए कार्यों की सराहना की और कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पहुंचे, जिससे कि वे आसानी से इस योजना का लाभ ले सके। कुरुसकेला में मोटरसाइकिल दुर्घटना में एक युवक का पैर टूटा, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां से उसे बाहर भेज दिया गया। थाना क्षेत्र बताया गया कि कुरुसकेला के पास मोटरसाइकिल चला रहा था, मोड़ में गिरने की वजह से उसे गंभीर चोट लगी। इधर सदर अस्पताल में उपचार के बाद इलाज के लिए भेज दिया गया। बानो प्रखंड में घीस मेला का आयोजन किया गया है। बताया गया कि प्रत्येक वर्ष गर्मी के मौसम में यहाँ पर यह मेला का आयोजन होता है, जहाँ पर खेल तमाशा सहित सभी प्रकार की चीजें उपलब्ध होती है। लगातार यहाँ पर लोग आ रहे हैं। बताया गया कि सिमडेगा के अलावा कई अलग अलग जगहों से भी लोग यहाँ पर मेला घूमने आ रहे हैं। बोलबा के कादोपानी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पर्यावरण विभाग की ओर से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया। साइकिल रैली में महिला एवं पुरुष शामिल हुए और सभी लोगों ने ऑक्सीजन को बचाने के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने एवं सही चीज़ों को लेकर चर्चा की। इसके अलावा साइकिल रैली में काफ़ी संख्या में लोग शामिल होकर पर्यावरण बचाने का संकल्प लिया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा बानो रेलवे स्टेशन से सूरत मालदा एवं हटिया बेंगलुरु नामक दो नए ट्रेन के ठहराव का हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर उन्होंने कहा कि लगातार सिमडेगा नए आयाम की ओर आगे बढ़ रहा है और हमारा प्रयास रहेगा। सिमडेगा के जामपानी चर्च में धूमधाम के साथ संत जोसेफ पर्व मनाया गया, जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष अनिल कंडुलना, नुआस क्रिकेटा सहित कई लोग शामिल हुए। जहां पर बताया गया कि संत जोसेफ अपने जीवन में मानव कल्याण करते हुए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया, हमें उन्हें भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में हम प्रयास करेंगे कि सब कुछ ठीक हो। इसी के साथ धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। उम्मीद करते हैं खबर पसंद आए।